अभी हम देखते हैं बाहर का व्यू। कहाँ आई बर्फ? वो देखो ऊपर से। और ये यहाँ पे हल्की हल्की स्नो फॉल होती हुई। मियाँ साहब पौधे लगाते हुए। यस बट नहीं, इसमें दिखाई नहीं दे रही है, बहुत कम दिखाई दे रही है। ये पकड़ ऊपर नहीं बकेट मैं जा रहा नीचे। फर्स्ट स्नो फॉल एट होम टाउन। ये बनाते रहे मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पे भारी बर्फ पड़ चुकी है और एक बर्फ मेरी आंख के ऊपर गिरती हुई। अली एक और भी है। ओके बहुत हल्की हल्की आ रही है, ज़्यादा जैसी हो जाती तो आएगी थोड़ी देर में। फर्स्ट स्नोफॉल सिड्डू बनाने अंदर आ जाओ ऊपर। ये रह गए बड़े बड़े, इन्हें कुछ गा के आता हूँ नीचे में। ऐसी आ रही है जैसे धूल आ रही है उड़ के। अब नहीं ये बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी। बढ़ रही है ना, बोल रहा हूँ। मैं बोल रही थी मौसम बिल्कुल साफ है, दो तीन दिन और अभी एकदम से लगी। यस बर्फ 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 लग गई। ये क्या है ये? लग गई इतनी सारी आ रही। अब यो इतनी सारी स्नोफॉल होती हुई। स्नोफॉल अब लगी अब लगी। नीचे नहीं जाना प्लीज, सिद्धू बनाने अंदर। यस हैवी स्नोफॉल एट माई होम। यस अब बहुत सारी लग गई, अब आया मज़ा। मेरी जैकेट के ऊपर भी गिर गई और अब मेरे सिर के ऊपर टिकती हुई अभी ज़मीन पे नहीं है। एंड अभी यहाँ पे नीचे दिखाती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी गिरी हुई है। और ये वहाँ पे जो है स्नोफॉल वो पड़ चुका है और यहाँ पे हल्का हल्का हो रहा है और अब ये भारी मात्रा में हिमपात होता हुआ। यहाँ पे अच्छे से देखा जा सकता है। बर्फ बर्फ बहुत सारी बर्फ और उस धुएं से ये बर्फ आती हुई, धुएं के साथ साथ आई थिंक इस तरफ को दिखाई दे रही है। और ये धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ रही है। ये एकदम से बर्फ तेज होती हुई और मैं पूरी बर्फ में भीगती हुई। बहुत मजा आ रहा है, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती हुई पहली बार अपने घर पे। और ये जो है अब मात्रा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो भी मुझे अंदर भी जाना पड़ेगा। हा 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 अभी निकलेंगे हम जब बहुत सारी बर्फ़ गिर चुकी होगी तब बाहर, बिन मौसम की बर्फ़ यहाँ पे गिरती हुई। और अभी हम चलते हैं हमारे पतिदेव के पास जो कि बहुत ही कामी बने हुए हैं और पता नहीं कहाँ जैसे कहाँ है। और ये देखिए यहाँ पे इतना काम, इतने हार्ड वर्किंग लोग होते हैं पहाड़ों के। इतने हार्ड वर्किंग लोग होते हैं पहाड़ों के, इतनी बर्फ में भी पाल्टियाँ लगाते फिर रहे हैं जो कि बेसिकली किसकी होती है, सेब की होती है। सेब की रूट की होती है। यस और यहाँ पे नीचे भी बहुत सारी बर्फ़ गिर चुकी है, वाइट हो गया सारा, धुआं धुआं हो गया। अब बढ़ गई, अब मेरे अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। वो
ऊपर से ऐसे लग रहा है ना जैसे दाने दाने आ रहे हैं, कॉटन आ रही है ऊपर से. लेट मी रोटेट. ऐसे नहीं आ रहा, रोटेट करके देख. अभी नीचे वाइट परत बनती हुई. एकदम से ही आ गया ना, मौसम बिल्कुल साफ था. Yeah, everything is possible. And I'm also white. मैं भी होगी वाइट. आ रही है? नहीं, ऊपर से नहीं आ रही कैमरा में, हल्की पुल्की आ रही है. मेरे हाथ सुन्न हो गए और मेरे कपड़े पूरे वाइट हो गए. बाजार है, मुंह में भी चली गई. कर ले टेस्ट. नए साल के हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. अब हुआ न्यू ईयर, अब हुई न्यू ईयर पे बर्फ, स्नोफॉल. चले अंदर, अभी मैं वाइट होगी सारी. ले मेरे को. हार्ड वर्किंग मैन, आंखों में घुस रही है. अब पड़ जाएगी, मेरे को लगता है काफी पड़ जाएगी. आई थिंक नाम जला गए बे. हां लागा लागा बे. एक पे लागा तुम बैठ लीजिए. सर्ग लागा. हां सर्ग लागा. यूं लागा, यूं लागा, यूं लागा. सर्ग सर्ग सर्गते यूं लागा. सर्गते यूं क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं? यूं लागा. और यहां पे मंदिर है. हमारे ये सारी टूट रही है क्या है ये? मेरा मन नहीं कर रहा अंदर जाने का, मैंने सो जाना यहीं बाहर ही. अब भी पर चलते जाना ठीक है. अब और भी मजा आ रहा है, अब और भी तेज होगी. अब आ रहे बड़े बड़े गोले. पहले एक और कहाँ है? पहले चावड़ी. ये इतनी बड़ी बड़ी है, इसको बोलते हैं पाल्टी. जैसे यहाँ पे एप्पल का ट्री है तो इसकी जो जड़ें होंगी यहाँ जैसे से एक छोटा सा पौधा निकल के आएगा जिसको बोलते हैं पाल्टी. और इसमें सेब जल्दी लगते हैं, है ना? सेब. और ये गांव है और ये फर्स्ट पे ये हमारा घर है और ये यहाँ पे स्टोर है, पीछे घर है और इससे परे को पूरा विलेज है. और मेरे हो तो सुनोगे. चले नहीं. घुस गए अंदर तक, घुस गई बर्फ. अब तो चल पड़ना. ये तो मजा है काम करने का, अभी गर्मी आ रही है. बहुत मजा आ रहा है बट ना पीछे धुएं वाली नहीं नजर आ रही है. मैं बीमार हो जाना इधर बीक के. ओके नाउ बाय बाय. अभी हम आएंगे जब बहुत सारी बर्फ पड़ जाएगी तब हम बाहर निकलेंगे. सी यू लेटर. अभी मेरे फ़ोन पे भी जो है वो सारी बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुकी है और नीचे बर्फ बर्फ़ हो गई है और मेरे कपड़े सारे बर्फ़ बर्फ़ से वाइट हो रहे हैं. अब सारा धुआं धुआं ही लग रहा है. फ़ोन पे भी गिर गई है. कहाँ है तो ये? क्यों रखे साइड में? इसको रखना पॉकेट में डाल के. मैं और ज़्यादा वाइट हो गई. सो मच ठंडी हेयर. फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ मैं शायद स्नोफॉल होता हुआ. एक बार मैंने घर पे देखा था जब बहुत साल पहले हुआ था, तब नीचे मंडी में भी हुआ था तब देखा था मैंने. वो हल्का फुल्का हुआ था, फिर पिघल भी गया था, ऊपर से बारिश हुई थी, बारिश से मिक्स हुआ था वो. यहाँ भी हो रहा है प्योर वाला. बाय बोल दी मैंने पर मन नहीं करा है वीडियो बना के हटने से, है ना? ऐसा ही होता है जब पता नहीं हो किसी चीज़ का. जब कोई चीज़ हम पहली बार देखते तो ऐसे चाव लगता है, फिर जैसे टाइम होता जाएगा फिर नॉर्मल होती जाएंगी चीज़ें. क्या बर्फ ही तो है बट अभी तो लेट्स इंजॉय. यूं यूं
यूं यूं ओके मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और मैं जा रही हूँ मंदिर के पास, यहाँ पे भी पूरा नीचे से वाइट हो चुका है। ये देखे अभी इसकी कॉटन की तरह ये नहीं आ रहा, अभी इसके छोटे छोटे दाने बन के आ रहे हैं। यस, और एक परत जो है नीचे बन चुकी है और आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सारा धुंध पड़ी हुई है सब जगह पे। तो आप देख सकते हैं बर्फ पड़ चुकी है, उस तरफ को नहीं है और इस तरफ को है। यस, बिल्कुल ठंड लग रही है लेकिन चाव लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी बर्फ़ पड़ गई है। ओह, इस तरफ तो बहुत हवा है, ये पीछे दिखाई दे रहा है सारा धुआं ही धुआं है। इधर बहुत हवा है, आंखों पे घुस रही है अब ये दाने दाने। हेलो, वो कहाँ गया? क्या बोला मैंने? हाथ हो गए मेरे ठंडे, हो गए मेरे हाथ, कोई नहीं सुनता है मेरी। एक वीडियो बनाने के लिए कब से चिल्ला रही हूँ, इतने दिन में मैंने अंदर चले जाना था। देखो मेरे पाँव के निशान, मेरी चरण पादुका यहाँ से परे जाती हुई। हे भगवान, आज के इस जमाने में और ये यहाँ पे जो है अगले दिन सुबह का मॉर्निंग व्यू जो कि कुछ इस तरह का है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी हुई थी, बस हल्की फुल्की बर्फ़ थी। तो सुबह के 8:30 बजे तक थोड़ी बहुत पिघल भी गई थी, तो हल्की फुल्की बची हुई थी। और ये मॉर्निंग का व्यू है, उतना क्लियर।